एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चिश ब्यूटी व्लॉग्स में आपका बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12:01 बज गई थी दिन की, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है एंड मैं कर रही थी अपना मेकअप बिकॉज मुझे वीडियोस बहुत सारी बनानी थी, शूट करनी थी, पेंडिंग चल रही थी इसलिए। तो वो वीडियो शूट करने के लिए मैं अपना मेकअप है वो कर रही थी एंड इसके बाद में फिर आप कंटिन्यूस व्लॉग को देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है गाइस, बहुत कुछ बताया है एंड यहाँ पर पूरा मेकअप करने के बाद आपको पता है थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी सेल्फ़ी वगैरह ज़रूर लेते हैं, है ना। ऐसे तो मतलब मेकअप कर लिया और रेडी हो गए और यार सेल्फ़ी नहीं लें तो देखो माशाल्लाह क्या अदाएँ हैं तो बहुत मुझे हंसी आ रही थी अपने खुद की फ़ोटोज़ को देख कर कि मैं इस तरह से अपने वो ले रही थी। सब लोग लेते हैं यार, हमें खुशी मिलती है बस। एंड इसकी जो वीडियो है ना वो आपको मेरे चिश ब्यूटी चैनल पे मिलेगी। पूरी मेकअप ट्यूटोरियल मैंने अच्छे से किया है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने कहा यहाँ पर नहीं डालूंगी, वहाँ ऑडियंस ज़्यादा है ना तो वहाँ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर देखना, अभी नहीं किया मैंने, एक दो दिन में कर दूँगी। ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल चिश ब्यूटी व्लॉग्स में आपका बहुत सारा स्वागत है। और आज है मैं डे भूल जाती हूँ, पता है, डेट भी मैं भूल जाती हूँ और डे भी भूल जाती हूँ। आज है 17 अप्रैल एंड डे कौन सा है? 17 अप्रैल को, और क्या डेट आज? सैटरडे 17 अप्रैल एंड टाइम हुआ है अभी 4। तो यहाँ पर मैं आपके लिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने एंड अभी मैंने जस्ट एक हॉल किया है अमेजोन हॉल, जिसमें मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी समर कुर्तीज़ आपके साथ शेयर की है। वीडियो आई थिंक कल तक वहाँ लाइव हो जाएगी तो आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर देख लेना। आप लोगों में से कोई भी बाय करना चाहता है तो बाय कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बहुत सारी बताने वाली हूँ। देखो मेरा जो ये व्लॉग चैनल है ना गाइस, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आपके काम की है, जो कि आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए। आप मुझसे कुछ सीख कर जाओ, मैं यहाँ पर यूट्यूब पे हूँ तो मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आई हूँ। तो मेरी वजह से अगर आप कुछ भी अच्छी चीज़ सीखते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी वो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके साथ में, हाँ ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये मैंने जस्ट अमेजोन हॉल किया ना तो ये सारी कुर्ती सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, आप लोग वो ज़रूर देख लेना। बहुत ही प्यारा हॉल है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने ली बाय करी है अपने लिए। ओके एंड ठीक है, ओहो ओके गाइस, तो चलिए अभी मुझे एक दो शूट और करना है फिर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, ठीक है। बैठ के हम लोग बहुत सारी कुछ बातें करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है एंड ट्राई ऑन हॉल भी कर लिया है। ये कुर्ती आप देख रहे हैं यही मैंने वियर की थी एंड ये दुपट्टा, तो मैंने अपना ट्राई ऑन हॉल कर लिया है एंड अब मैं आपसे वापस मिलने आई हूँ। सब लोग क्या कर रहे हैं बताइए एंड मेरे, तो गाइज मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है एंड अब थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई है, आप लोग देख सकते हैं फेस से पता चल रहा होगा। एंड बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत 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 हार्डवर्क करना पड़ता है। आप लोगों के सामने एक 10 मिनट की वीडियो आती है, आप 10 मिनट में, है ना, मतलब मैं एक नॉर्मल वे में बता रही हूँ, 10 मिनट में आप लोग काफ़ी जज कर लेते हो, है ना, वीडियोज़ को देख के। 10 मिनट में काफ़ी लोग डिसलाइक करके भी चले जाते हैं एंड काफ़ी हैं जो लाइक करते हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइक ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये आपके सामने सिर्फ 10 मिनट की वीडियो आती है लेकिन इसके पीछे कितने घंटे की मेहनत होती है पता है, कितने घंटे की मेहनत होती है। सारी चीज़ें मैस हो जाती है, उन सब को भी बाद में पूरा रूम को क्लीन करना पड़ता है। मतलब हर बार हर वीडियो आपके पास आती है ना, उस हर वीडियो में मैं आपको क्या बताऊं गाइस, इतनी हार्डवर्क होता है, इतनी मेहनत होती है, इतने घंटों की मेहनत होती है। आप सिर्फ 10 मिनट की वो वीडियो देख के और चले जाते हैं, हम लोग बोलते रह जाते हैं कि लाइक करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, लेकिन मतलब ऐसे भी इतने लोग हैं जो बिल्कुल लाइक तक नहीं करते। मतलब यार आपके लिए अगर कोई वीडियो लेकर, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सभी यूट्यूबर्स के लिए जो सब लोग ही मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, सब हार्डवर्क करते हैं, सब मेहनत करते हैं, उसके बाद ही आपके सामने वीडियोस आती है ना। तो काफ़ी लोग हैं जो कि उसको समझते हैं और वो लाइक करते हैं कि हाँ इसने कुछ चीज़ हमें दी है, हमें नॉलेज दी है, हमें कुछ बताया है,
तो अच्छी चीज़ है, वो फ़ायदेमंद है, वो लाइक करके जाते हैं। पता है आपको, पता है एक लाइक बहुत ज़्यादा कीमती होता है एक यूट्यूबर के लिए, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। उसको मोटिवेशन मिलती है, उसको मोटिवेशन मिलता है जब वो आगे और अच्छे से काम कर पाता है। काफ़ी जो लोग होते हैं ना, वो लोग मतलब ये देखते हैं कि यार मतलब हमें मतलब हमारी जो मेहनत, जैसे कि आप नॉर्मल वे में भी देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, अगर घर में आप लोग भी कोई काम कर रहे हो, अगर आपके 10 घर में 10 लोग हैं, 10 में से अगर आपको 8 लोग अप्रिशिएशन देंगे, अगर 8 लोग आपको बोलेंगे कि यार आपने बहुत अच्छे से काम किया, ये बहुत अच्छी सब्जी बनाई है ना, एंड 2 लोगों को वो सब्जी पसंद नहीं आई है। यहाँ पर बीच में कॉल आ गया था एंड मैं वापस से कंटिन्यू करना ही भूल गई, जो बात चल रही थी वो कंटिन्यू नहीं कर दी है। अमेजोन हॉल बहुत ही अच्छा वाला हॉल आने वाला है, या वीडियो जा चुकी होगी आई थिंक चैनल पे, तो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। एंड ये सारी कुर्तीज एंड सब कुछ जो मैंने अमेजोन से लिया था, वो सारा हॉल कर दिया है। अब मैं इन सबको कंप्लीट वापस से तय कर लगा रही हूँ, तय लगाकर और फिर से रखूंगी, क्योंकि देखिए अब वीडियो आप लोगों को तो मिल गई 10 मिनट की वीडियो, लेकिन आप सोचो 10 मिनट से पहले एंड 10 मिनट के बाद में कितने घंटे मतलब काम रहता है। अब इन सबको समेटना है, सबको अच्छे से तय लगाकर और फिर रखना है, तो बहुत सारा मतलब बैक, अगर कैमरे की बात करें ना, तो बैक कैमरे के बाद अगर हम ऐसे बात करें तो बहुत सारा काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसका हॉल आप लोग देख लेना, ठीक है, जिसने नहीं देखा है वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड मैंने ट्राई ऑन भी करके दिखाई है, तो बड़ी प्यारी प्यारी कुर्तीज़ है, बहुत प्यारी, तो आप लोग अपने लिए बाय करना चाहें तो वहाँ पर जाकर और देख लीजिएगा, अपने लिए आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे तो अच्छी लगी है काफ़ी। अब मेरी ना, पहले मेरे येलो एक भी कुर्ती नहीं हुआ करती थी, मतलब येलो कलर की कुर्ती आई थिंक मतलब बहुत मैंने ली भी नहीं थी शायद पहले, तो अब येलो कलर की आई थिंक मेरे पास 2-3 कुर्ती हो गई है येलो मस्टर्ड जो कलर है ना, ये मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे इतना मन हो रहा है कि अब मैं बस दुपट्टे ही दुपट्टे लगाऊं, क्योंकि मैं मेरा जो स्टार्टिंग से जो रहता है, स्टार्टिंग से मेरा अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं शुरू से है ना दुपट्टे और ये वियर करती हूँ पूरे, मतलब अच्छे से फैला कर, जो नहीं लगाते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आई डोंट नो, काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ कुर्ती और लेगी ले लेते हैं, दुपट्टा तो वियर ही नहीं करते, बट मुझे बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं है। मैं हमेशा दुपट्टा, बाहर जाती हूँ तो हमेशा दुपट्टा वियर ही करती ही हूँ, घर में बात अलग है, घर पे हम लोग दुपट्टा नहीं लगाते हैं, या कभी लगा भी लेते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर तो ऑलवेज दुपट्टा रहता ही है। एंड बड़े बड़े जो दुपट्टे होते हैं ना 2.5-2.5 मीटर के, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये वाला बहुत प्यारा दुपट्टा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बट इसके अंदर एक्चुअल में कलर सिर्फ ब्लू कलर था, मतलब 2 ही कलर है इसमें, ब्लैक और ब्लू, बाकी कोई कलर नहीं था। अदरवाइज इसमें और कलर्स होते ना तो मैं ज़रूर बाकी और भी कलर अपने लिए ले लेती, क्योंकि इसका कपड़ा है ना जो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। आप में से किस किस को दुपट्टा वियर करना पसंद है मुझे बताना, ठीक है, कौन कौन दुपट्टा मतलब लगाना किन किन को अच्छा लगता है। ये दुपट्टा मैंने पहले लिया था, अभी का नहीं है, ये पहले का है, बट मैंने इसको निकाला था वियर करने के लिए, फिर मैंने इसको नहीं पहना। ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन ये जो दुपट्टा है ना, ये पार्टी वियर है, मतलब आप किसी ड्रेस के ऊपर कहीं जा रहे हैं पार्टी वगैरह में तो इसको आप वियर कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल रूटीन में अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं ये सब कुछ कंप्लीट करके समेट कर इनको सबको तय लगाऊंगी, उसमें अलमारी में इन सबको तय लगाऊंगी, उसके बाद अलमारी में रख दूंगी इन सबको मैं, और बस फिर डिनर करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गई और मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, क्योंकि मैं इसी में
कर रही थी, यही काम कर रही थी ना, इसलिए ये कुर्ता भी बहुत प्यारा लगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत वो नहीं बोलते हैं, एकदम लाइट वेट होता है ना, बहुत लाइट वेट वाला है, मतलब इसका हाँ ऐसे पता ही नहीं चलता है हमने इसको पहन रखा है, इतना लाइट वेट है ये इसका फैब्रिक। ये सारी पॉलिथीन है ना, अभी न्यू है, तब तक तो थैली में डाल कर ही रखते हैं, जब एक दो बार बाहर पहन लेंगे ना तब तो फिर ऐसे ही रखेंगे। ये भी मैंने पहले लिया था दुपट्टा, इसको भी मैंने निकाला था कि मैं इसको भी किसी ड्रेस पे मैच होगा तो वेयर करूंगी, बट अभी मैंने इसको नहीं पहना है। इसलिए बोलती हूँ मैं गाइज आप लोगों को कि वीडियो देख के लाइक कर दिया करिए, क्योंकि देखो कितनी मेहनत लगती है बाद में भी और पहले भी, इसलिए बोलती हूँ कि लाइक तो कर दो कम से कम, देख के लाइक, इतने सारे लाइक होते हैं तो एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिलता है ना कि हाँ चलो आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो फिर और भी है ना काम करने में मजा आता है। ये देखिए, ये मैं ऐसे दुपट्टे, मैंने एक साथ सारे कलर के दुपट्टे लिए थे, ये कॉटन का दुपट्टा है और मेरे पास इस तरह के है ना ऑलमोस्ट सभी कलर के दुपट्टे हैं, क्योंकि मैं अपने ड्रेस के ऊपर है ना कॉटन के दुपट्टे ही ज़्यादातर लगाती थी पहले पहले। अब ये बहुत पुराने हैं लेकिन इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा है, ये मैंने लोकल जो है कहीं फैक्ट्री वगैरह से वहाँ से लिया था इसको, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और इस तरह के मेरे पास है ना काफी सारे कलर के दुपट्टे हैं। व्हाइट एक बार पहनता ना व्हाइट कलर की कोई भी ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, सेकेंड टाइम हम वापस पहन ही नहीं सकते, मतलब आप एक घंटे के लिए भी व्हाइट कलर का कपड़ा पहन लोगे ना तो बहुत वो गंदा गंदा नजर आने लग जाता है। आप लोग बोल रहे थे ना दी आपकी ये ड्रेस अच्छी लग रही है, किसी वीडियो में बोला था व्हाइट ड्रेस अच्छी लग रही है, ये व्हाइट मेरा टॉप है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये व्हाइट है ना, ये टॉप है पूरा, ये ऐसे है ना, ये व्हाइट टॉप है और यहाँ पर है ना, यहाँ पर इतना सारा देखो इस तरह से इसमें घेरा दे रखा है, ये देखिए, और ये टैसल्स, ये मेरा टॉप है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बाहर तो मैं नहीं वियर करती हूँ, बस जस्ट मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तभी मैं ये टॉप तो पहनती हूँ,
बाहर तो मैं कुर्ती ही वियर करती हूँ, कुर्ती ही पहनती हूँ। इसका भी मैंने हॉल किया है, मेरे चैनल पर है इसका हॉल, मैक्स हॉल करके होगा, आप लोग चेक कर लेना अगर आपको ये इस तरह के टॉपर्स वगैरह टॉप देखने हैं ना, क्योंकि मैंने ये किया था पहले। ये मैंने सारे तय लगा दिया है, इनको रखना है बस। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, बिकॉज 9:30 हो गई है। ठीक है, अब मैं करूँगी डिनर, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में मुझे अपना जो हल्का सा मेकअप कर रखा है मैंने वो भी रिमूव करना है, सब हटाना है इसको भी। ठीक है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और ये सभी ड्रेसेस का जो हॉल है वो मेरे चिश ब्यूटी वाले चैनल पर ऑलरेडी आ गया होगा या फिर कल तक आ जाएगा, नहीं आ गया है शायद, मे बी, है ना, आई थिंक आज ही मैंने वीडियो डाली है उस पर, तो आप लोग चेकआउट कर लेना वहाँ जाकर भी। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।